बच्चे को बड़ा करना। हम एक बीमारी के बारे में कल शाम को चर्चा करने वाले थे, वो है डिप्रेशन। वो अभी कर लेता हूँ। डिप्रेशन बीमारी आजकल बहुत है। अब डिप्रेशन जो है ये आधुनिक बीमारी है, पुराने जमाने में इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में, अष्टांग हृदय में एक भी सूत्र नहीं है डिप्रेशन के लिए। कारण, जिस जमाने में ये अष्टांग हृदय तैयार हुआ, लिखा गया, उस समय ये बीमारी होती ही नहीं थी। ये आधुनिक बीमारी है। आधुनिक बीमारी माने पिछले 50 साल में आई है और डॉक्टरों ने इसे डिप्रेशन का नाम दिया है। ये बीमारी कुछ इस तरह की है कि जिसमें आदमी एकदम निराश हो जाए अपने जीवन से, अपने कार्य से, अपने जीवन की गतिविधियों से एकदम निराश हो जाए और उसको कुछ भी अच्छा ना लगे। ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, सब बेकार है, दुनिया ही बेकार है। और आधुनिक बीमारी ये इतनी खराब है कि जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाए तो आदमी आत्महत्या कर ले, डिप्रेशन की स्थिति वहां तक लेके जाती है। ये डिप्रेशन आधुनिक बीमारी इसलिए मानी जाती है कि ये तनाव में से पैदा हुई है, स्ट्रेस। और भारतीय शास्त्रों में यही एक शब्द नहीं है, तनाव, स्ट्रेस। कारण, हमारी जीवन शैली ऐसी रही है हजारों साल में कि जिसमें स्ट्रेस हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमारी जीवन शैली तो ऐसी है, कम से कम भारतीय जीवन शैली, क्योंकि भारतीय जीवन शैली में सबसे महत्व है परिवार। अगर आप परिवार के बीच में रहते हैं तो स्ट्रेस का सवाल ही नहीं। और यहाँ भी परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, पूरा कुटुंब है। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, काका काकी, ताऊ ताई, ये सब हमारे कुटुंब के हिस्से हैं, माने संयुक्त परिवार। हमारे यहाँ तो अकेले परिवार तो पिछले 20-25 वर्षों में ज्यादा हुए हैं, उसके पहले तो सब सामूहिक रूप से रहते हैं। और हमारे यहाँ गाँव में परिवार की जब चर्चा होती है तो परिवार की चर्चा माने सब उसमें आते हैं। कई गांव में तो मैंने ऐसे देखा है कि उनके परिवार की चर्चा में उनके जानवर भी आते हैं, उनकी गाय, उनकी भैंस, उनकी बकरी, उनका बकरा। क्योंकि मैं जब उसे पूछता हूँ कि भाई ये कौन है, तो वो कहते हैं ये बकरी तो या बकरा हमारा मामा है। हाँ, ये बकरा हमारा मामा है, ये बकरी हमारी मामी है। कोई भेड़ को मौसी बताता है, ये हमारी मौसी है, और उसका उसी तरह से ख्याल रखते हैं, ऐसे नहीं कि उसको छोड़ देते हैं। ज्यादातर परिवारों में गाय तो हमारी माँ है, भाई एक माँ है जिसने जन्म दे दिया, लेकिन दूसरी माँ है ये हमारी, ये पाल रही है, इसी के दूध से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, इसी के घी से। तो गाय माँ हो गई है, और परिवार में ये सब जानवर भी शामिल है। माने हमारे परिवार की जो विराटता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जहां परिवार में जानवर भी शामिल है, पशु भी हमारे परिवार का अंग है। आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया में भारत के अलावा दूसरा कोई देश नहीं है जहां पशुओं की उसी तरह से सम्मान और पूजा होती है जैसे हम हमारे सास ससुर का करते हैं या दादा दादी नाना नानी का करते हैं। हमारे ये दुनिया के दूसरे देशों में नहीं। तो जब परिवार इतना बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है कि परिवार का हर अंग माने हर सदस्य, वो पशु हो या मनुष्य हो, एक दूसरे के तनाव को बांटने वाला होता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति पर स्ट्रेस होना भारतीय परिवार में तो माना ही नहीं गया। आपके मन में कुछ तकलीफ आ गई, आपने पिताजी से कह दिया या माताजी से कह दिया, माताजी ने किसी और से कह लिया, सुन लिया, उसका कोई समाधान ढूंढ लिया, ऐसा हमारे यहाँ चलता रहा। पिताजी माताजी से नहीं कह सके तो किसी और से कह लिया, उन्होंने पिताजी माताजी को कह दिया, माने बात आपकी पहुंच गई जहां पहुंचनी है। स्ट्रेस कब जन्म लेता है? जब आपके मन में बहुत कुछ भरा हुआ हो, एकदम ऋणात्मक हो, नकारात्मक हो, और आप उसे किसी से शेयर करने की स्थिति में ना हो, या जिससे आप शेयर करना चाहते हो वो आपकी सुनने को तैयार हो। वो कह दी मेरे पास फालतू समय नहीं है तुम्हारी ये सब राम कहानी सुनने के लिए, तब स्ट्रेस जन्म लेता है। क्योंकि मनुष्य जो है ना, ये ऐसा बनाया गया है कि ये शेयरिंग ना करे तो ये पागल हो जाए,
इसका दिमाग ऐसा मनुष्य का, ये अगर अपनी बात को किसी को कहे नहीं तो ये पागल हो जाए। शेयरिंग हमारे यहाँ बड़ी महत्व की है, बहुत महत्व की है। एक दूसरे से संवाद, एक दूसरे से संवाद, पूरी व्यवस्था हमारे परिवार की इसी पे चल रही है। संवाद संवाद संवाद, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, माता पिता के बीच में, बेटा और माँ के बीच में, बेटा और पिता के बीच में, संवाद संवाद संवाद, ये सबसे महत्व का है हमारे भारत में। इससे ज्यादा बड़ी कोई चीज हमारे देश में नहीं मानी गई, इससे बड़ी कोई चीज नहीं मानी गई। आपने कभी घरों में सुना है बातें करते हुए एक दूसरे को, कोई किसी से नाराज हो गया, मान लीजिए कोई किसी से नाराज हो गया, पति पत्नी से नाराज हो सकता है, भाई भाई से नाराज हो सकता है, बहन भाई से नाराज हो सकता है, कोई किसी से भी नाराज हो जाए, सबसे पहला काम क्या, बात नहीं करेंगे। यही होता है ना, बात नहीं करेंगे। पति पत्नी एक दूसरे से नाराज है, भाई भाई नाराज है, बहन भाई नाराज है, बेटा माँ नाराज हो गए या माँ बेटा नाराज हो गए या बेटी माँ नाराज हो जाए, कुछ भी एक दूसरे से कोई नाराज हो जाए तो पहला कदम बात नहीं करेंगे। दूसरा कदम खाना नहीं खाना है ना। अब जैसे ही आपने फैसला किया बात नहीं करेंगे तो ये तो इतनी बड़ी बात होगी, सारा घर चुप जाएगा उसके लिए, बात नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है? तो बात तो करनी ही पड़ती है। तो फिर बीच में कोई आएगा, वो बात कराएगा, बात फिर शुरू हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, यही होता है ना। दूसरा कदम शायद उठाना ना पड़े, खाना नहीं खाएंगे। अब खाना नहीं खाना ये तो बहुत मुश्किल बात, आप उपवास करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन आप साधारण दिनों में ये बोल दें घर में कि खाना नहीं खाएंगे तो पूरा घर ऊपर से नीचे हो जाएगा, खाना नहीं खा रहे, बात नहीं कर रहे। तो हमारे यहाँ तो तनाव को निकालने के ये रास्ते हैं, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है ना, वो भाप निकालने का रास्ता है, एक तरह से सेफ्टी वॉल्व जिसको हम कहते हैं। हमारे परिवार में स्ट्रेस को निकालने के बहुत सारे रास्ते हैं, सेफ्टी वॉल्व है। बात नहीं करना आपने जैसे शुरू किया, स्ट्रेस पैदा हुआ, उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए पूरा कुटुंब जुट गया, पूरा परिवार जुट गया, पड़ोसी भी जुट गए, और आखिर बात कराके ही मान लिया। ऐसे आप खाना नहीं खा रहे हैं, किसी बात पर नाराज हो गए तो पूरा परिवार जुट गया, पड़ोसी जुट गए, खाना खिला के मानेंगे आपको, फिर उसके बाद रास्ते खुल जाएंगे। तो रास्ता खोलना हमारी सभ्यता और संस्कृति में बहुत गहराई से है, इसलिए भारतीय जीवन शैली में स्ट्रेस कभी नहीं। आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, काम करने से बोर हो सकते हैं, स्ट्रेस में नहीं आ सकते। आपकी बोरियत हो सकती है, जैसे माताएं कई बार, मेरी माँ कहती है क्या रोज रोज वो चकले पर रोटी बेलना, कुछ तो बोरियत आती है। हाँ आती है, कई बार मुझे भी बोरियत आ जाती है, क्या बार बार यही सब बोलना, बोरियत आ सकती है, आपको आ सकती है, मुझे आ सकती है, हम सबको आ सकती है, क्योंकि एक ही तरह का काम बार 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 करें जिसमें कोई रस ना बचे तो बोरियत आना तो संभव है। अब जैसे मैंने माताओं को देखा, वो गेहूं बीन रही है, कंकड़ निकाल रही है, कितना बोरियत का काम, एक ही तरह का काम बार बार, चावल बीन रही है उसमें से ये चुन रही है, तो ये काम में मैं ये मान सकता हूँ बोर हो गए, ये तो ठीक है, लेकिन कोई ये कहे कि मुझे स्ट्रेस हो गया, ये नहीं है। हमारे स्ट्रेस नहीं, उसकी परचेसिंग वैल्यू खत्म हो गई, वो तो खत्म है, कागज का टुकड़ा फाड़ के फेंक दो, लेकिन उन लोगों ने उसी को भगवान बना रखा, डॉलर उनके यहाँ भगवान है, माने पैसा ही उनके यहाँ सब कुछ है। अमेरिका में कोई किसी से बात करेगा ये समझ कर कि इसके बैंक बैलेंस में इतना पैसा है तो बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कोई आपको सम्मान देगा, इज्जत देगा, ये देखकर कि आपके पास इतनी संपत्ति है तो बात करने लायक है, नहीं तो कोई सवाल ही नहीं उठता, सम्मान देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो वहां क्या है, डॉलर सबसे बड़ा है, प्रमुखता में है, माने पैसा सबसे बड़ा है, प्रमुखता में है, और वो मानते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास कुछ नहीं। वो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे, अब समझ जाएंगे थोड़े दिन में कि सब कुछ डॉलर से नहीं आता। आपके पास करोड़ों डॉलर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पास सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, वात्सल्य हो, जरूरी नहीं।
डॉलर आप खरीद के या डॉलर को इकट्ठा करके आप एसी तो लगा सकते हैं, लेकिन नींद आ जा रही है जरूरी नहीं है। आप डॉलर उसको खर्च करके घर में सारी सुविधाएं जुटा सकते हैं, टीवी है, ये है, वो है, लेकिन आपका मनोरंजन हो जाए जरूरी नहीं है। आप बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके बहुत सारी फिल्में सवेरे से शाम तक इकट्ठे होकर देख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई फिल्म आपके दिल को गुदगुदा जाए, जरूरी नहीं। तो हमें सुख मिले, प्रेम मिले, शांति मिले, सद्भाव मिले, आनंद मिले, मनोरंजन का अंतिम उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, को जरूरी नहीं है डॉलर से हो जाए, वो तो बिना डॉलर के भी होता हमारे यहाँ। तो वो इतनी सी बात अगर समझ लेंगे तो उनकी सारी सभ्यता में जो तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी एक दिन में। अब वो तो नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी मुश्किल ये है कि हम उनकी नकल में फंसते जा रहे हैं। हमारे देश में एक वर्ग इस तरह का बन गया है, 2-5% ही लोगों का वर्ग है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, जिसने पैसे को भगवान माना। वो मानते हैं कि पैसा ही है, पैसा ही है, जो भी कुछ है पैसा, इसलिए पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। तो जो लोग लग गए हैं इस दौड़ में, जिन्होंने सब कुछ पैसे को ही प्रमुखता दे रखी है, उनको मैं कहता हूँ कि वो अमेरिका के अंधभक्त हैं या यूरोप की नकल कर रहे हैं। उनको ये बीमारी है जिसका नाम है डिप्रेशन, क्योंकि हर दिन आपकी एक ही कैलकुलेशन है, आज 50 करोड़, कल 60 करोड़, परसों 70 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 200 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 10,000 करोड़, मालूम नहीं है लाखों करोड़ों के बाद भी धीरू भाई अंबानी छोड़ के गया सर। लाखों करोड़ों का एम्पायर है ना, गया तो यहां से ऐसे ही, और अच्छी मृत्यु भी नहीं मिली। वेंटिलेटर पे मरना हमारे यहाँ सबसे खराब मृत्यु। अब मृत्यु का भी सुख ना मिले तो लाखों करोड़ों किस काम के। हमारे यहां ये कहा जाता है जन्म लेने में तो बहुत दुख है, लेकिन मृत्यु तो सुख की ही, शांति की। मृत्यु तो हमारे यहाँ कल्पना की गई है सुख शांति से, वो तो हमारे हाथ में है, हम चाहे तो सुख शांति से मरे। अब वो भी किसी को नसीब नहीं हो रही है, 15 दिन किसी को वेंटिलेटर पर रखा हुआ, भले शरीर मर गया है लेकिन रखा हुआ है, तो ये तो सुख की मौत नहीं है, तो पैसे का मतलब क्या है। और धीरू भाई अंबानी का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है, दुनिया भर के डॉक्टर जुटाए गए लेकिन कोई नहीं बचा पाया। इसका मतलब है जाना तो है ही, बचाने का तो सवाल ही नहीं है, तो फिर ये हजारों लाखों करोड़ों रुपए की क्या फालतू की बीमारी हमने पाल ली अपने जीवन। आपके पास रुपया होना चाहिए, धन संपत्ति होनी चाहिए, वहां तक तो ठीक है कि आपका जीवन चलाने में कोई अड़चन ना आए, लेकिन ये पागलपन कि 1 करोड़ हो गया तो 100 करोड़, 100 करोड़ हुआ तो 1000 करोड़, 1000 करोड़ तो 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ के बाद 50,000 करोड़। भारतीय शास्त्रों में ये कहा गया है कि धन बहुत ज्यादा आकांक्षा करना चाहिए सार्वजनिक कामों के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं। हमें सार्वजनिक काम करने, सार्वजनिक काम माने जो हम अकेले नहीं कर सकते, मंदिर बनाना ठीक है, ये सार्वजनिक काम है, इसके लिए धन की आकांक्षा करो। मंदिर 10 करोड़ में बन रहा था, 20 करोड़ में, 50 करोड़ में, 100 करोड़ में, वो तो ठीक है। धर्मशाला बनानी है, गौशाला बनानी है, पानी की व्यवस्था करनी है, तालाब खोदना है, सड़क बनानी है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, जो दूसरों के लिए काम आने वाली चीजें हैं, सार्वजनिक बातें हैं, सार्वजनिक चीजें हैं, उनके लिए भारतीय शास्त्रों में कहा गया धन को बेफाम खर्च करो, लिमिटलेस। लेकिन व्यक्तिगत जीवन के लिए कम से कम खर्चे में चलाओ। आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए बेफाम खर्चा नहीं, आपको तो रहना है एक शर्ट और एक पैंट में, या एक कुर्ता एक पजामा में, या एक धोती एक लुंगी में, आपके लिए तो यही है, भले करोड़पति हो आप। आपके पास जो धन आया वो माना गया ईश्वर ने आपको दिया है दूसरों की मदद करने के लिए, तो करो। तो इसलिए हमारे देश में जो पुराने सेठिया लोग हैं, मैं बार बार तुलना करता हूँ घनश्याम दास बिरला और धीरू भाई अंबानी, एक अमेरिकन है एक हिंदुस्तानी। धीरू भाई अंबानी भारत में ही पैदा हुआ, दूसरे देश में पैदा नहीं हुआ, गुजरात के चोरवाड़ नाम के गांव में उसका जन्म हुआ।
घनश्यामदास बिरला जी भी भारत में पैदा हुए, राजस्थान के एक गांव में उनका जन्म हुआ। दोनों का अंतर जरा करके देखिए, धीरू भाई अंबानी टोटली अमेरिकन आदमी, जन्म से हिंदुस्तान, कर्म से बिल्कुल अमेरिकन और यूरोपियन, जिसने अपने जीवन में ये उद्देश्य तय कर लिया कि मुझे व्यक्तिगत जीवन इतना शानो शौकत का रखना है कि सब देखकर मुझसे जले। दूसरी तरफ घनश्याम दास जी बिरला, उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मेरा व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल सादा होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में मैं उतना खर्च करूं लोग उससे मेरी तुलना करें या कॉम्पिटिशन करें। तो घनश्याम दास जी बिरला ने सार्वजनिक जीवन को बेफाम खर्चे के लिए तय कर दिया, तो उन्होंने बिरला मंदिर बनवा दिए। हिंदुस्तान में किसी भी गांव में चले जाओ बिरला मंदिर मिल जाएगा। एक भी अंबानी मंदिर दिखा दो पूरे हिंदुस्तान में तो आप कहो मैं हार जाऊं, एक भी अंबानी मंदिर दिखा दो पूरे हिंदुस्तान। हालांकि बिरला जी की संपत्ति आज कंपैरिजन करें तो अंबानी से कम है, लेकिन हर बड़े शहर हर बड़े गांव में बिरला जी का मंदिर मिलेगा, बिरला जी की धर्मशाला मिल जाएगी, बिरला जी का कुआं मिल जाएगा, बिरला जी की प्याऊ मिल जाएगी, बिरला जी का स्कूल मिल जाएगा बच्चों का, बिरला जी का अनाथ आश्रम मिल जाएगा, बिरला जी का आपको वृद्धाश्रम भी मिल जाएगा। क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूँ तो ये सब मिल जाता है। अंबानी का न कोई धर्मशाला है, अंबानी की न कोई प्याऊ है, अंबानी का न कोई तालाब है, अंबानी का न कोई कुछ भी नहीं है। क्यों? मेहनत तो एक ही है, पैसा दोनों ने कमाया, लेकिन एक ने पैसे को सार्वजनिक तरीके से लुटाना, फैलाना, बांटना वो, और एक ने व्यक्तिगत जीवन के लिए उसको उपयोग करना। अब अंबानी का बेटा है, उसने अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया हवाई जहाज, हवाई जहाज गिफ्ट किया 400 करोड़ का या 500 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट किया पत्नी को, लेकिन वो 400 करोड़ में हिंदुस्तान में 40,000 तालाब बन जाए उसके लिए अंबानी के पास कुछ नहीं, खर्चा ही गया ना 400 करोड़ में, तो तालाब के लिए पत्नी को हवाई जहाज गिफ्ट करके, ताकि सारी दुनिया जाने कि मैं इतना बड़ा कि मेरी पत्नी 400 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट में। अब उनका बेटा एक घर बना रहा है बंबई में, अब पता नहीं कितने माले का है वो, पता नहीं 10 या 15 या 20 या 25, अपने रहने के लिए। जो आदमी, मैं आदमी हूं आप आदमी हैं, 6 फीट की लंबी और 1.5 फीट की सीट में हम सो जाते हैं रेल की बर्थ में, रेल की बर्थ 6 फीट लंबी होती है 1.5 फीट चौड़ी होती है, उसमें खूब अच्छी नींद आ जाती है। अब वो स्थिति को ध्यान में रखकर कोई घर बना रहा है जिसमें 36 माले, 40 माले, 50 माले, पता नहीं कितने रहने वाले 2-3। ये व्यक्तिगत धन का प्रदर्शन ये सबसे खराब माना गया भारतीय संस्कृति में, सबसे खराब। और वही धन आप सार्वजनिक रूप से खर्च कर रहे हैं, दूसरों के लिए खर्च कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा माना गया। इसलिए मैंने कहा पुराने सेठिया जितने लोग हैं वो लुंगी और बनियान नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी बनाई हुई हजारों धर्मशालाएं, हजारों गौशालाएं, हजारों स्कूल, हजारों कॉलेज आपको मिलेंगे, दवाखाने मिलेंगे, धर्मार्थ दवाखाने मिलेंगे, फोकट में चिकित्सा हो रही। ये पुराने सेठिया लोगों ने हिंदुस्तान में ध्यान रखा, मतलब भारतीय संस्कृति से वो अलग नहीं हुए, धन को कमाते हुए। ये अमरीकियत और यूरोपियत है जिसमें हम अपने ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करें, दूसरों को भूल जाएं, और ये जानने के बाद भी कि धन उनका नहीं है। धीरूभाई अंबानी परिवार सबसे ज्यादा कर्जदार है इस देश के लोगों का, लोगों से इकट्ठा किया हुआ पैसा उनका अपना नहीं है, लोगों को शेयर्स बेचे हैं, डिबेंचर्स बेचे हैं, लोगों ने पैसा लगाया है, वो लोगों के कर्जदार हैं, फिर भी इतने बेशरम हैं कि लोगों के पैसे को अपने ऊपर खर्च करें। ये अमरीकियत है। इस अमरीकियत को हिंदुस्तानियत से थोड़ा अलग करके देखेंगे, डिप्रेशन इसमें से निकलता है। आप अपने लिए सब करें, अपने परिवार के लिए करें, बाकी दुनिया को भूल जाएं, सब कुछ मेरा 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 मेरा, और अंत में मेरा मेरा करते हुए वो भी छूट जाए तो डिप्रेशन आएगा, और उस डिप्रेशन से निकलने का फिर रास्ता उनके पास तो है, बीमारी तो है, रास्ता नहीं। अपने पास बीमारी नहीं है लेकिन रास्ता है।
भारत में ये बीमारी कभी रही नहीं, हजारों साल से हुई नहीं, क्योंकि हमने ऐसी संस्कृति, ऐसी मान्यता, ऐसी परंपरा बनाई इस देश में कि इस तरह की बीमारियां आए नहीं हमारे जीवन में। सामूहिकता हमारे जीवन में, परिवार हमारे जीवन में, परिवार और सामूहिकता के साथ दूसरों को ज्यादा से ज्यादा सुख देने की आकांक्षा हमारे मन में, हम सब इस बात के लिए परेशान रहते हैं भाई दूसरे को दुख ना हो हमारे कारण। घर में कोई मेहमान आ जाए तो इतनी चिंता, इतनी परेशानी कि उसको कोई तकलीफ ना हो जाए हमारे घर में। हालांकि कुछ होती होती नहीं है, लेकिन हर 10 मिनट में पूछते रहते कोई तकलीफ तो नहीं, कुछ नहीं है मालूम है, फिर भी पूछते रहते तकलीफ तो नहीं हमारे घर में, हमेशा खाना तो बराबर था, बहुत स्वादिष्ट है, फिर भी पूछ ले खाना तो बराबर था, पसंद तो आया आपको। माने हम इतनी चिंता करें जब दूसरे की, तो डिप्रेशन और